गुड मॉर्निंग जम्मू और गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सबसे पहले वेयर हेलमेट जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। सो अभी मैं जस्ट अनाउंस करने के लिए मैंने हेलमेट उतारा हुआ है। दर आप लोग देख सकते हो मेरा हेलमेट मेरे साथ है। सो गाइस आज का जो व्लॉग हमारा रहने वाला है वो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो भाई सीन ये है कि आज आपका भाई जा रहा है डोडा, मतलब अपने होम टाउन। काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये प्लान बना है। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ अगेन अज्जू जा रहा है और ऋतिक जा रहा है। मेरा प्लान था जाने का लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग भी जाएंगे, उनको भी जाना है। तो वो लोग कि हमें भी आपका जो होम टाउन है वो एक्सप्लोर करना है। तो मैंने बोला चलो भाई साहब जब मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो। तो गाइज हम लोग ना क्लास के लिए जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, फादू जा रहा है मेरे साथ, हम लोग क्लास के लिए जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं क्लास और क्लास में आपको मिलते हैं, क्योंकि आजकल जम्मू में ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हाई ट्रैफिक है और ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल भाई मछली हुई है रोडों के ऊपर, चालान कर देती है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं क्लास में। मेरी वीडियोस देखती है? तूने एक भी वीडियो नहीं देखी मेरी? तूने चैनल क्यों सब्सक्राइब किया? हाथ नीचे रखना, तूने मेहंदी भी नहीं लगाई है? तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? तो तूने वीडियो एक भी वीडियो नहीं देखी मेरी? तू क्या सपोर्ट कर रही मुझे? ना तू मुझे ब्रेकफास्ट करवाती ना कुछ करवाती, जल्दी बता। क्या मैंने इंस्टा पे फॉलो किया ना? इंस्टा पे मैंने लाइक्स नहीं किए आपके वीडियो? मेरे को यूट्यूब से मतलब है, इंस्टा से नहीं। लगता तो है लगता तेरे दिन भर गए हैं, तू जीना नहीं चाहती है। भगवान से मिलने का शौक जल्दी पड़ी तुझे? भगवान से मिलना है तूने? चलो मिलते हैं। मिल चलो नहीं तू मिलेगी बस, जानती मुझे तू। इधर देख, हाथ ही चल। क्या हुआ पता मेरा तुझे? ना मैं तेरे को क्या बोला था? मैंने क्या बोला तुझे? क्या बोला तुझे? मैंने क्या बोला तुझे? क्या बोला? पराठे लाने को बोला था। काय पराठे घर से नहीं खा कर आया? नहीं आया हूं खा के। तो मैं भी नहीं खा कर आई हूं। क्यों? तू मैं तेरे को लाने को बोला था, जल्दी बोल। ढाबे से खा सबाना डाली वैसे तू ज्यादा जुबान को दिखती। भाई जब भी हम लोग घर ले जाने का मतलब टाइम आता है ना, या जब हम घर जाने की बात करते हैं, या जिस दिन मुझे पता चलता है कि मेरे को घर जाना है, एक नया मतलब खुशी कुछ और होती है अपने घर जाने की। और सबसे मुश्किल होता है वेट करना कि मैं कब निकलूँ, कब मैं जो है बस ये लगे कि हाँ मैं घर के लिए जा रहा हूँ। तो अभी ना वेट नहीं हो रहा है, एक क्लास पढ़ ली है और आज प्रैक्टिकल ही था ओबियसली, क्लास में तो प्रैक्टिकल किया। तो अभी वेट कर रहे हैं दूसरी क्लास का एंड अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। तो अभी दूसरी क्लास अटेंड करेंगे एंड देन उसके बाद जो है गाइस चलेंगे। सो एक्साइटेड तो हैं घर जाने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फाइनली गाइस क्लास को कर दिया है बाय बाय, क्लास हो गई ख़त्म। कल है सैटरडे और सैटरडे को मैं नहीं जा रहा हूँ क्लास, क्योंकि आज आपको पता है भाई जा रहा है अपने घर। तो अभी निकलते हैं और अज्जू भाई का भी फ़ोन आ गया था एंड ही सेड के रेडी हो जाओ। तो अभी चलते हैं घर, थोड़ा सामान वामान पैक करेंगे क्या कुछ लेना है एंड देन गाइस हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले जाना हमने कुंजवानी। कुंजवानी में अज्जू भाई को कुछ काम है, अज्जू वहाँ पर अपने काम भाई अपना काम करेंगे जो निकल जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं कुंजवानी।
तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं बटोत में, और बटोत में हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा चाय वगैरह का। फाइनली पहुंच चुके हैं बग्गर में, और बग्गर में हम लोग रुकेंगे और टेस्ट करेंगे यहाँ के मशहूर राजमा चावल को। काफ़ी मशहूर है जम्मू कश्मीर, जैसे पीड़ा के मशहूर है वैसे ही जब आप किश्तवाड़ रोड पे जाते हो तो आप यहाँ पर रुककर जो है और राजमा चावल का मज़ा ले सकते हो। तो अभी हम हैं शर्मा वैष्णो ढाबा में। भाई क्या लोगे? राजमा चावल भी। यहाँ से ले रहे हैं सब्ज़ी, और ये आंटी की शॉप है यहाँ पर, और हम ले रहे हैं फलियाँ और साथ में लेंगे गोभी। कितने हो गए आंटी? 50। तो भाई फाइनली बग्गर में हम लोगों ने जो है राजमा चावल खाए, और अब ना यहाँ से मेरे घर तक अगर मैं बात करूँ तो हमने जो है वो जाना है पुल्लोडा। पुल्लोडा से हम लोग जो हैं थोड़ा आगे प्रेमनगर जाएंगे, बट प्रेमनगर नहीं जाएंगे हम, प्रेमनगर से पहले टर्न ले लेंगे क्योंकि हमारा वहाँ से दूसरा रोड जो है वो जाता है। तो अभी हम लोग बग्गर में ही हैं, बग्गर में थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं, और ये खूबसूरत व्यू जो है वो बग्गर का भी आप देख रहे हो मेरे पीछे, चनाब रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अभी जस्ट खाना खाया तो मैं सोचा थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। बाय गाइस, सुबह से हम लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। मैं हूँ, अज्जू है एंड ऋतिक है। काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक जर्नी है रास्ते में, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ठंडा मौसम है, हैक्टिक भी था। और मौसम की बात अगर मैं करूं तो जैसे ही हम लोग उधमपुर हमने क्रॉस किया तब से ही जो है वो काफ़ी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही थी, चिल्ड हवा, ठंडी हवा चल रही थी। अभी भी देखो मैं टी शर्ट नहीं हूँ, बट अभी भी मैं जो है वो ठंड महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब मन कर रहा है मेरा कि मैं यहाँ पर जो है वो स्वेटर वगैरह जो है वो पहन लूँ ताकि मैं ठंड से जो है वो बच सकूँ। बट ठीक है, इस ओके टाइप है। और वेदर मतलब नेचर को आप अगर एक्सप्लोर करो ना, यहाँ पर इतना खूबसूरत जो है वो मतलब वेदर है। अगर जम्मू में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और यहाँ पर आकर चैन की सांस जो है वो हम लोग ले रहे हैं फाइनली। तो अभी आगे चलेंगे, शायद देर हो जाएगी घर पहुँचने में क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30, और हमें चलते चलते शायद से 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएं, क्योंकि हम लोग ना बहुत धीरे से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं सेफली। अज्जू भाई कभी उन्होंने ज़्यादातर वो जम्मू में ही उन्होंने गाड़ी वगैरह जो है चलाई है, तो हिली एरियाज़ में ऑफकोर्स ये रहता है, एक फोबिया डर रहता है, धीरे चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं तो देखते हैं हम कितना टाइम लगता है घर तक पहुँचने में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और मेरे साथ हैं मेरी माता श्री। ठीक है, तो मम्मी के साथ अभी बहुत देर से पहुंचे घर पे। ठीक है, तो भाभी तक बेचारे जगे हुए थे, है ना। हाँ भाई कैसा लगा फिर भद्रवा? कल घूमेंगे नहीं, जहाँ तू अभी है वहाँ बताना। अच्छा, वो तो अच्छा है। गेस्ट रूम की फील आ रही है? अजू भाई तो अभी तक का जो हमारा सफर रहा, ठीक है, सीरियस हो सुनना। तो अभी तक का जो हमारा सफर रहा, ठीक है, पूरे दिन का, हाँ ये कर लो पहले। जो हम एक तो हम लेट निकले, अज्जू भाई का प्लान था कि 2 बजे ही निकलना है ना। अज्जू भाई आपने बोला, अज्जू भाई का नहीं, अज्जू भाई के मम्मा के पंडित। चलो 3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, और शाम को 8:30 हो चुके थे हमें। हम रास्ते में ही भटक रहे थे अभी, तो एक तो अज्जू भाई के लिए नया ट्रैक भी था यहाँ पर इस तरफ आना, गाड़ी चलाते वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल काम था। अज्जू भाई मुश्किल था नहीं था? मुश्किल तो था। तो गाइज मुश्किल था अज्जू भाई के लिए, इसलिए धीरे धीरे आए। घर वाले बेचारे वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वेट किया हमारा, एंड फाइनली फिर लाइट वगैरह भी नहीं थी यहाँ पे, लाइट आई, हमने खाना वगैरह खाया। अभी
10 बज रहे हैं भाई, 10:30 हो रहे हैं। तो अब इन दोनों को देखो, ये लोग अब रात के 3 बजे तक नहीं सोने वाले हैं। 6 बजे उठाऊंगा। कल हम लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं अज्जू भाई? भद्रवाह। कल भद्रवाह एक्सप्लोर, कल गाठा जाएंगे, गाठा जाएंगे, कुशियाड़ी जाएंगे, कुशियाड़ी जाएंगे और गुल्ली डंडा वगैरह जो भी भद्रवाह में हमारे, हम जहाँ तक हमारी रीच है हम जाएंगे। सो गाइज अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय बाय। चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट।